हेलो एवरीवन, सो आज है सैटरडे और मैं जा रहा हूँ यहाँ मानेवंजंग से माल बाजार की तरफ। और इस ब्लॉग में मैं कम्प्लीटली स्किप कर रहा हूँ सिलीगुड़ी को। मैं माल बाजार इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज इसका बहुत ही एक स्पेशल रीज़न है। तो मैं जा रहा हूँ मानेवंजंग से घूम से जोर बंगला, वहाँ से मंगपू होते हुए नीचे जाऊँगा डाउन हिल और पहुँचूँगा कोरोनेशन ब्रिज AKA टाइगर ब्रिज। वहाँ से जाऊँगा माल बाजार क्योंकि कल है संडे। संडे राइड के लिए एक बहुत ही स्पेशल मैंने एक चीज़ प्लान कर रखा हुआ है। सो लेट्स कंटिन्यू और पहुँचते माल बाजार। और कल का ब्लॉग हम माल बाजार से स्टार्ट करने वाले हैं संडे का। सो लेट्स गो। सो यहाँ से मोंगपू दिखा रहा है 13 किलोमीटर्स और रास्ता काफ़ी ट्विस्टीज एंड टर्न्स है और वेदर ठंड है। दीज ग्लव्स आर रियली वर्किंग। मेरे ख्याल से 35 मिनट्स में पहुँच जाएंगे शायद मोंगपू। 13 किलोमीटर दिखा रहा है। इस रोड में काफ़ी एकदम सन्नाटा सा है, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। बट वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दीज रोड्स आर इज़ दैट कि आप किसी भी टाइम पे ना इसमें ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। अगर जो बाहर वाले जो आते हैं ना यहाँ पे एज अ टूरिस्ट, अनलेस आप कोई गंद ना मचाओ, ठीक है, तो यहाँ लोकल इस एरिया में भले ही रास्ता सुनसान हो कोई दिक्कत नहीं। इट्स एब्सोल्युटली सेफ, वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट। तो दैट्स व्हाट आई वुड से। भाई साहब यहाँ के रोड ना है एकदम मक्खन। मजा ही आ रहा है राइड करने में। मेरे साथ पिलियन में है रुस्तम, माय ओल्ड फ्रेंड हु विल बी जॉइनिंग मी टुडे। सो अभी हम ये अंदर वाला जो रास्ता है, ये माल बाज़ार से एक बाईपास रास्ता निकलता है गुरुवथन की तरफ, गुजुंग झोड़ा करके जो टी स्टेट है वहाँ से होते हुए निकलता है पूरा बाईपास करके गुरुवथन। बहुत ही प्यारा टी स्टेट वाला इलाके का ये जगह है। यहाँ अभी हम गुरुवथन पहुँच गए। सो गुरुवथन से फिर आगे हमें फिर जाना है, दैट्स अ सीक्रेट प्लेस। सो आई एम नॉट गोना टेल कि जगह के नाम क्या है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी अनयूजुअल स्पॉट, यहाँ पे लोग नहीं जाते हैं, बट आज हम जाने वाले। सो लेट्स कंटिन्यू। चलो हम डी टूर कर लिया हमने, अंदर को छोटा सा रास्ता था वहाँ से आ चुके हैं। गुरुवथन पहुँचने से पहले एक रास्ता है जो बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट है, बट हम उसको स्किप कर रहे हैं बिकॉज भीड़, भाई साहब पूछो मत, खतरनाक भीड़ वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ही नोन और यूजुअल प्लेस है पिकनिक्स के लिए। तो वहाँ से हट के जा रहे हैं क्योंकि भीड़ भाड़ हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, चढ़ाई है। तो जा रहे हैं वहाँ पे, मज़ा आ जाएगा यार, अच्छा खासा ऑफ रोड दिख रहा है। ओ भाई साहब, बिल्कुल टी गार्डन और कच्चा रोड है, लगता है यहाँ पे कोई आता ही नहीं, ऐसे ही जगह चाहिए। अभी धीरे धीरे करके यहाँ जो टी प्लांटेशन है उनमें पानी दिया जा रहा है। काफ़ी अंदर आ चुके हैं यार रोड से हम लोग, और मुझे लग रहा है कि यार स्पॉट बहुत ही बढ़िया होने वाला है ये।
आई थिंक जैसा सोचा वैसा ही होगा शायद। बाइक को कर दिया हमने पार्क, पहुंच गए हम लोग ये फागू वाला हाइडल पिकनिक स्पॉट। तो बड़ा ही प्यारा जगह है। बैग वैग ले लिए हैं, आगे रुस्तम चल रहा है और सामान वामान सब हमने कैरी कर चुके। और राइट में ये नदी बह रही है, तो अगर नहाने वहाने का कुछ सीन रहेगा तो शायद वो भी हो जाए। चलते हैं भाई साहब, ले कहाँ जा रहे हैं देखते हैं। चलते हैं ऊपर। ये भाई रुस्तम आगे आगे जा रहे हैं सामान वामान अपना लेके। यार काफी ऑफ रोड है, एकदम जंगल जंगल के बीच में से जा रहे हैं हम लोग। और फॉलो कर रहे हैं रुस्तम भाई को। हाँ से दामी से थे। लविंग इट। अब हमारे सीक्रेट हाइड आउट स्पॉट में जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। वाह यहाँ दामी हुन्छ नि, आराम से जाना पड़ेगा क्योंकि दोनों हाथ उसमें बह गए और उसमें गोप्रो, तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक जाना पड़ेगा, गिरने की संभावना हो सकती है। आदो भाई चलते, अभी स्पॉट डिसाइड करना है आइडल कहाँ रहेगा। अरे यहाँ यहाँ राम रो पुन यहाँ छ त हेर्दा यहाँ बनाउँदा हुन्छ। ये रहा हमारा स्पॉट, तो हमने डिसाइड किया कि यहीं बैठेंगे हम लोग। अपना सारा अभी सामान वामान अनपैक होगा, तो सामान वामान निकल रहा है धीरे धीरे करके। यहाँ पे सारा कुछ सेटअप होगा हमारा, तो अगर मन किया तो वो पत्थर के नीचे भी थोड़ा सा छाँव है, क्योंकि यहाँ छाँव है इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम यहीं पे रहेंगे। और बेस्ट पार्ट पानी भी है, और अगर नहाने का मन हुआ तो यहाँ नहाएंगे, मुश्किली नहाएंगे, ज़्यादा गहरा है नहीं मेरे ख्याल से, और शांत जगह है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है जैसे आप देख पा रहे हो, बिल्कुल शांति शांति शांति। अभी रुस्तम चिकन उकन सफाई चल रही है अभी में, और आज का आइटम रहेगा चिकन राइस वाइस बनाएंगे, सैलड वगैरह एकदम फुल मस्ती से खाएंगे, एंजॉय करेंगे और विल रिलैक्स।
चलो ये रेडी हो गया हमारा थोड़ा सा स्नैक्स के लिए। सादे को वाई वाई बोलते हैं नेपाली में इसको, कुछ नहीं रॉ, थोड़ा सा सरसों देके, नमक वमक देके, प्याज और थोड़ा सा टमाटर वमाटर देके, और थोड़ा सा चिकन भी फ्राई करेंगे। ये मैरिनेट हो चुका है, आधा एक घंटा हो ही चुका है, इसको भी थोड़ा बहुत फ्राई करेंगे। कहाँबाट आउँदैछ? तो ये है पानी फिल्ट्रेशन हो रहा अभी, क्योंकि नदी का पानी है तो कहीं ना कहीं गंदा तो हो गई, तो इसीलिए आई एम यूजिंग माय पर्सनल पोर्टेबल वाटर फिल्ट्रेशन, ताकि भाई बीमार उमार ना पड़ जाए। और पानी कैरी करना सबसे बेकार चीज़ है, फालतू में एक अलग से वेट हो जाता है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करते आसपास का इलाका। नाइस, इतनी सही जगह है यार, क्या जगह है, मतलब एक से एक जगह। आप कहीं पे भी यहाँ पे बैठ जाओ, ये पत्थर के नीचे बैठ जाओ, कहीं और बैठ जाओ। और यहाँ का और एक चीज़ ये है कि यहाँ पे आप फिशिंग भी कर सकते हो, अगर आपके पास फिशिंग रॉड है ना। मैं एक्चुअली चाह रहा था कि आज फिशिंग कुछ करूं, बट ऑब्वियसली फिर बाइक में थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि आप रॉड वॉड लेके आओ यहाँ पे, फिर उसको कैरी करना मुश्किल हो जाता है। बाकी आप इससे थोड़ा सा नीचे जाओगे आधा किलोमीटर ऑलमोस्ट, तो वहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा जमघट और भीड़ और कचरा ये सब आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ था, इसलिए हम यहीं पर आए। दैट्स दी ओनली रीज़न, क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं चाहिए हमें, बहुत बेकार लगता है यार। देखते हैं बैम्बू वाले ब्रिज ने, एक बार उस साइड जाके देखते हैं कैसा दिखता है। ओ भाई साहब, एक क्रॉस कर लिया। हमारा सेटअप वहाँ पे रास्ता बैठा हुआ पत्थर के नीचे, वहीं पे बैठे हम लोग।
चलते यार, क्रॉस करते हैं यहाँ से, अब निकलते हैं, अपने स्पॉट में पहुँचते हैं। ये भी बैंगन का बना हुआ है, ये फ्राई, ये रेडी है। अभी चिकन फ्राई कर लिया है और चिकन के लिए ग्रेवी वगैरह बन जाएगा उसके लिए, ये रेडी है। ये बनने के बाद फिर खाना वाना बन जाएगा, राइस वाइस बनाएंगे और खाने के बाद फिर बस आराम करके थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे। सब्जी डालो, खाना वाना खाएंगे, निकलेंगे यहाँ से। ये हो गया खाना हमारा रेडी, चिकन, बैंगन का भाजा और ये डल्ले राइस और प्याज के साथ। शुरू करते हैं। होने लगे चलो दोस्तों, आज के लिए ब्लॉग ख़त्म। खाना पीना सब कुछ हो चुका है और हम यहाँ से भी निकल रहे हैं सीधा माल बाज़ार के लिए, और कल फिर जर्नी स्टार्ट हो जाएगा मानी भंजन के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टिल वॉचिंग एंड आई होप आई सी यू नेक्स्ट टाइम अगेन। बाय।